अमेरिका में वोटों की गिनती का काम जारी है और जिस तरह से जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि दोनों उम्मीदवार जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। जो प्रोजेक्शंस हैं उनमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी तक 17 राज्यों में उनका प्रदर्शन अच्छा है और प्रोजेक्शंस के मुताबिक 17 राज्यों को वो जीत सकते हैं और जिन राज्यों का नाम लिया जा रहा है वो है अलबामा, इंडियाना, कैंसस, केंटकी, लुइजियाना, मिसिसिपी और मिजोरी। ये सब ये जो राज्य हैं वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का प्रदर्शन अच्छा बताया जा रहा है, वो इन राज्यों में जीत सकते हैं। जो बाइडेन की बात करें तो वो मैसाचुसेट्स, न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, कनेटिकट, कोलोराडो, न्यू मेक्सिको, न्यू हैम्पशायर, ये सब जो राज्य हैं वहाँ पर उनका अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है। तो इन राज्यों में उनकी जीत हो सकती है इन प्रोजेक्शंस के मुताबिक। ये जो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन में चुनाव हो रहे हैं, जिस तरह से कोविड 19 से की वजह से 230,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी, तो बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक करीब 100 मिलियन लोगों ने पोस्टल बैलेट्स का इस्तेमाल किया है। तो जो पोस्टल बैलेट्स इतनी बड़ी संख्या में आए हैं तो उनको काउंट करने में, आखिरी वोट तक उन्हें काउंट करने में माना जा रहा है कि वक्त लग सकता है। अगर जो बाइडेन अगला राष्ट्रपति, अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो उन्हें जो हिलरी क्लिंटन का प्रदर्शन रहा था पिछले 4 साल पहले 2016 में, उससे अच्छा प्रदर्शन करना होगा। और जैसे हो गया विस्कॉन्सिन, मिशिगन या फिर पेंसिल्वेनिया, जहाँ पर जो विनिंग मार्जिन था वो डोनाल्ड ट्रंप का वो 1% से भी कम रहा था, तो उन्हें जो बाइडेन को जीतना होगा। इसके अलावा फ्लोरिडा, टेक्सस, ओहायो, ये सब जो राज्य हैं, एरिजोना, वहाँ पर जो भी उम्मीदवार बेहतर प्रदर्शन करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा या फिर जीत पाएगा वो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनेगा। तो हमें देखना होगा कि अभी जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं ये आने वाले वक्त में वो कितने कॉन्क्रीट होते हैं, कितने मजबूत होते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे वोटों की गिनती होनी बाकी है। विनीत खरे, BBC, Washington DC।